अलैकुम समर क्लास रंजा, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अपडेट करूँगा आप जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है और जो हमारा केस है उसके हिसाब से। स्टूडेंट बड़ा फ्रस्ट्रेट है, ओबियसली 4 साल से मामलात हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि जो पार्ट 2 का मटीरियल है, पार्ट 3 का, पार्ट 1 का ऑलरेडी ड्राइव पर भेज दिया गया, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर लें। फुली मैं जल्दी उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके इंशाल्लाह मैं वो ड्राइव में आपको एक्सेस कर दूंगा और आप उसको एक्सेस करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। जहाँ तक बात है पार्ट 2 के लिए सजेशंस हैं, तो पार्ट 2 अपनी तैयारी जारी रखें। किसी वक्त भी कोई भी फैसला हो सकता है, किसी वक्त भी आपके केसेस लग सकते हैं और किसी वक्त भी यूनिवर्सिटी को कंपेल किया जा सकता है कि वो पार्ट 2 के एग्जाम्स लें। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मटीरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, लेक्चर्स भी सीक्वेंस में प्रोवाइड किया जाएंगे। साथ ही साथ प्रेजेंट सिचुएशन को थोड़ा सा मैं सिंपल और जनरल वर्ड्स में पेश करूंगा कि पार्ट 1 का रिजल्ट जो है वो भी मशरूत है कोर्ट की हियरिंग के साथ मशरूत है। और जैसे ही कोर्ट उस पर कोई ऑर्डर देती है तो पार्ट 1 का रिजल्ट भी अनाउंस होगा और उसके बाद फिर आगे पार्ट 2 अलाउ होगा। जो उसमें एलिजिबल स्टूडेंट वो पार्ट 2 इंशाल्लाह एग्जाम दे। प्रेजेंट सिचुएशन फिलहाल थोड़ी सी जो है वो पैनिक है, बिकॉज हमें इस चीज़ को हमें कुछ काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं जो स्टूडेंट हैं उनको यूनिवर्सिटी इन फ्यूचर होपफुली को वो डील करेगी। साथ ही साथ एक अपडेट है कि जो लॉ मुल्तान के कॉलेजेस हैं, लॉ कॉलेज, वो अपनी सीएम में उन्होंने मूव की हुई है, होपफुली कि वो अलाउ हो जाएगी उन्हें, तो वो सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट को जो हियरिंग होगी उसमें वो पेश होंगे। उसमें कुछ चीज़ें नई तरीके से हो सकती हैं, कुछ जो कोर्ट है वो उसका थोड़ा इंक्वायरी का रुख मोड़ सकता है। और साहिवाल कॉलेजेस तो आउट ऑफ ग्राउंड हो गए, आउट ऑफ गेम हो गए, अब उनके स्टूडेंट तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ले गई या अपने कॉलेजेस को देगी, वट एवर उनका अलग से डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करेगी। एफिलिएट ऑलरेडी है लेकिन उनके स्टूडेंट को कैसे एंटरटेन करना है, उनको एफिलिएशन उनकी बहाल करनी है नहीं करनी, वो नेक्स्ट जो हियरिंग होगी उस पर देखा जाएगा। वो कौन सी हियरिंग होती है वो अगर लॉ कॉलेजेस की जो सीएम है उसको अलाउ कर दिया जाता है तो उसमें वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज अगर कोई और कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आ जाता है या उस चीज़ पर कोई बात हो जाती है तो उस वक्त भी वो क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक स्टूडेंट के लिए है कि एक बहुत हद तक ये चांसेज हैं कि स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट डील करेगी अप्रोक्सीमेटली तमाम कॉलेजेस के, वो साहिवाल के हों या मुल्तान के हों, जब तक मुल्तान के कॉलेजेस की सीएमए पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता। दूसरी जहाँ तक बात है स्टूडेंट की तैयारी की, स्टूडेंट लाजमी इसमें अपनी जो है वो प्रिपरेशन को कंप्लीट रखिएगा। जहाँ तक बात है कुछ और अपडेट्स हैं पार्ट 1 के रिजल्ट के बारे में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके गोश गुजार कर दूंगा। उसमें बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं रिजल्ट अनाउंस होने के बारे में नहीं, लेकिन जो जिन लोगों ने पेपर्स दिए थे उन लोगों के लिए उनका रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छे मैनर में जो है वो चेक किया गया है और होपफुली उनके अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। उसकी बड़ी डिटेल है, माइनर डिटेल्स हैं, बड़ी मिन्यूट डिटेल्स हैं, तो आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पेश करूंगा। एक बात है एफआईए की इंक्वायरी की, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मल्टी डायमेंशनल मैटर है, उसको बड़ा वाज़ह तौर पे आप लोगों के सामने लाना ज़रूरी है। वो भी इंशाल्लाह वेरी सून में लाऊंगा। इन्फॉर्मेशन प्रायर टाइम है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उस चीज़ से आप पैनिक हों, लेकिन इंशाल्लाह वही इन्फॉर्मेशन जो लास्ट फाइनल स्टेज होती है उस पर वही आ रही होती है, वो आप लोगों को कोशिश होती है कि आपको वक्त से पहले दी जाए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उससे आप पैनिक ना हो। अगर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं तो मुझे उससे कोई कम का इम्तियाज नहीं मिलने वाला कि वो आपको पहले पहुंचा दूँ और आप पैनिक हो जाएं। अलबत्त वो रिलेटिव फैक्ट्स होते हैं और केसेस होते हैं, इंशाल्लाह वो आप लोगों के सामने बहुत सून जो है वो मैं पेश करूँगा। मुझे दो में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम।